हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज। देखिए, कल मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि एक ने कमेंट किए हैं कि मैम, इसे एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आप एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, यूजीसी, नीट या पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई एग्ज़ाम्स होती है, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सबको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ईजिली इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने इसमें, जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें बेसिक लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, एंड इवन आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड करती हूँ, तो आप इसे बेझिझक इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। और चलिए, ये वीडियो जो है ना, आपको रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाया करती हैं, एंड ये सभी तरह के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने कहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, कल जैसे कि मैंने आपसे, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम 22 दिसंबर के क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन आप लोगों ने, मतलब थैंक यू सो मच कि मैंने जो कहा आप लोगों ने वो सुन रहे हैं आप, और उसी फॉर्मेट में आंसर्स दे रहे हैं। मैंने आज के मैक्सिमम के आंसर्स देखे, आप लोगों सब ने कोशिश किया है, और इनफैक्ट मैंने जो 5 क्वेश्चंस पूछे थे तो आप सब ने उसका आंसर्स दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे यही होगी कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है। तो थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग उस कमेंट में आंसर्स देते हो, तो लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप पे काम कर रही है। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, कैंसर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने अपने आउट पेशेंट विभाग का परीक्षण शुरू किया है, ओपीडी का परीक्षण शुरू किया है, ये किस राज्य में स्थित है? पहला तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रेन 18 को किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजांकित करेंगे? ठीक है, तो ये दो चीज़ आप मुझे बताइए। और ये करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने कवर किया है, आप मेरी वीडियोस देखते हो या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दे पाओ। और स्टैटिक्स आप मुझे बताइए कि दांदेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आज के देखिए 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो इससे आप पूरी कोशिश करिएगा कि इन चारों के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बता सको। और कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके मैं आंसर बता दूं। इनफैक्ट आप लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर्स दिए हैं ना, कुछ को छोड़ के सबके सही थे, बट हाँ, जिनके गलत थे उनके भी आपने एफर्ट अच्छा किया है, उसके लिए वेल डन। बट आप कोशिश करिए कि उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ पाए, जैसे आप करेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पूछा था कि WF की जो वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट आई है, तो उनकी जो जेंडर गैप इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का हमारे विश्व आर्थिक मंच पर कितने रैंकिंग पे हमारा इंडिया रहा है? तो इस, ये देखिए, 108 रैंकिंग रही है हमारी भारत की। और भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया। स्टैटिक्स से मैंने पूछा था कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, ये आप अपने आंसर्स करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज। एंड आज का हमारा क्वेश्चन है, टाइमलेस लक्ष्मण, ये एक बुक है, ठीक है, टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, टाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। देखिए, ये महाराष्ट्र के एक दिवसीय यात्रा पे निकले थे, वहाँ उन्होंने टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो ये हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए, इन्होंने द टाइमलेस लक्ष्मण इस पुस्तक को आज लॉन्च किया, जारी किया। ये है लक्ष्मण जी, देखिए, आर के लक्ष्मण, ये बहुत ही प्रख्यात और दिवंगत कार्टूनिस्ट, मतलब उसका ये काम करते थे। तो देखिए, इनके जीवन पर आधारित ये किताब है जिसका मोदी जी ने आज विमोचन किया है, ठीक है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र का कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो कार्टून के जरिए पिछले 4 से 5 दशक के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का केस स्टडी के माध्यम से वो अध्ययन कर सकते हैं कार्टून के जरिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ये बहुत ही दिवंगत और प्रख्यात कार्टूनिस्ट का रोल ये अदा करते थे, तो इन पे ही ये बुक आई है, टाइमलेस लक्ष्मण, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो बुक है ना, ये जो इनकी बहू हैं, आप देख सकते हो इस बुक को, इनकी बहू हैं, इनका नाम है श्रीमती उषा श्रीनिवास लक्ष्मण, इन्होंने इस बुक को लिखा है।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने कहा कि ये बुक जो है वो मोदी जी जो एक दिवसीय महाराष्ट्र की यात्रा पर निकले थे, तो महाराष्ट्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है श्री विद्यासागर राव जी, और राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ की चंदोली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, ताडोबा, ठीक है, और राजधानी है मुंबई। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बाल संरक्षण एक नीति आई है जिसका ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए, ये बाल संरक्षण जो नीति है इसके तहत होगा कि कोई भी बच्चा अगर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ना, तो उसकी शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है इस बाल संरक्षण नीति के तहत, 1098 1098। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर आप अगर कोई बच्चों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप इस पर कॉल करके पुलिस को इसके बारे में बता सकते हो, या ये बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, एंड राज्य मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, भारत और इंडोनेशिया तटरक्षक के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक किस शहर के तटरक्षक मुख्यालय में हुई है? तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है तटरक्षक मुख्यालय में, ये नई दिल्ली में हुई है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, नई दिल्ली, और ये देखो 4 दिनों का है, ठीक है। ये 16 दिसंबर को शुरू हुआ था, 20 दिसंबर तक चली है, ये 4 दिनों की थी और नई दिल्ली में हुई है। तो ऑप्शन हमारे हो गए बी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली की बात आ रही है तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी, राजभाषा हिंदी है, और ये रही हमारी दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसका लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस शहर में राजकुमार शुक्ला पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? देखिए, राजकुमार शुक्ला जी पे एक डाक टिकट जारी की गई है, तो ये की गई है आपकी नई दिल्ली में। अगेन हमारे ऑप्शन हो गए ए, नई दिल्ली। एंड देखिए, 18 दिसंबर को जो संचार के केंद्रीय राज्य मंत्री है श्री मनोज सिन्हा जी, और रेलवे राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने राजकुमार शुक्ला पर ये डाक टिकट को जारी किया, और इन्हें एक तरह की श्रद्धांजलि के तौर पर इन्होंने राजकुमार शुक्ला के ऊपर ये डाक टिकट को जारी किया है। जिन्होंने, अब ये बात आती है ना कि ये राजकुमार शुक्ला है कौन, इन्हें श्रद्धांजलि के रूप में याद करके इनके ऊपर एक डाक टिकट की सेवा जारी हुई है। ये चीज़ें ध्यान याद आ गई, मतलब समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ है, ये नई दिल्ली में हुई है, जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ये नई दिल्ली। अब देखिए, ये बात आती है कि ये राजकुमार शुक्ला है कौन, तो देखिए ये वही हैं जिन्होंने 1917 में जो बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था ना, को उसके शुभारम्भ में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था राजकुमार शुक्ला जी का। तो उनके नाम पर ही उनके एक श्रद्धांजलि के तौर पर देखिए ये डाक टिकट को जारी किया गया है। तो चंपारण सत्याग्रह से ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये नई दिल्ली में हुई है। चीज़ें क्लियर हो गई। और जैसा कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, राज्यपाल है अनिल बैजल जी, राजभाषा है हिंदी, और ये रही हमारे दिल्ली की लोकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में उड़िया सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण की घोषणा की गई है? उड़िया सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा, तो ये किस शहर में होगा? माइंड में आ रहा होगा उड़िया सांस्कृतिक है उड़ीसा में होगा, जी नहीं, ये होगा गुजरात के शहर सूरत में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, सूरत। और देखिए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ना नवीन पटनायक जी, उन्होंने गुजरात के सूरत में उड़िया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए घोषणा की है, जिसमें वो 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होगी, ये ध्यान रखिए सूरत में होगी। और अब हम बात करें, जैसे सूरत है तो ये गुजरात में पड़ता है, तो आप गुजरात के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए कि गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। ये देखिए गुजरात का लोकेशन है, आप हमारे इंडिया के मैप में इसे भी देख सकते हो। मुख्यमंत्री है श्री विजय रूपानी जी, राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली जी, ठीक है, ये रहे कोहली जी और ये हैं विजय रूपानी जी। सब पिक्चर्स से देखोगे तो आप याद रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैप से आप हमारे मैप भी कवर करते चलेंगे हम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है, इनका नाम है आसमा जहांगीर। ऑप्शन हो जाते हैं सी, आसमा जहांगीर। बात यह आती है कि आसमा जहांगीर है कौन? देखिए, आसमा जहांगीर जो है ना, पहली बात तो इनका देहांत हो चुका है, और ये पाकिस्तान की बहुत ही प्रतिष्ठित
मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील रही थी। तो मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तान की जो शक्तिशाली सैन्य वहाँ की जो प्रतिष्ठाव है उसकी एक स्पष्ट आलोचक थी। वहाँ की जो शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान जो होती थी ना, उसकी आलोचना करती थी। और ये धार्मिक जहाँ भी वहाँ जो चरमपंथ और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की जितने भी उत्पीड़न मिलते हैं ना अल्पसंख्यक समुदायों को, तो इसका ये विरोध करती थी कि इन्हें इतनी उत्पीड़न नहीं देनी चाहिए। उसके लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो उनके इस योगदान के लिए इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से। तो इनका यही है आसमा जहांगीर जी, ऑप्शन है सी, आसमा जहांगीर। और देखिए, अभी इनकी बेटी हैं मुनेजी जहांगीर, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के हॉल में एक प्रभा वहाँ उन्होंने इनका जो पुरस्कार है उसे उन्होंने ग्रहण किया। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उनकी बेटी भी पत्रकार है और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और इनके बारे में थोड़ी डिटेल भी आप जान सकते हो। जैसे देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जो है किन्हें सम्मानित किया गया, तो आसमा जहांगीर की तो हमने बात कर ली। इनके साथ ही साथ ना और तीन लोगों को दिया गया है आसमा जहांगीर पुरस्कार जो है ना, के चार विजेता में से वो एक है। और तीन कौन है? तो देखिए, इन्हें अक्टूबर में ही कहा गया था राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जो 1968 से हर 5 सालों में ये एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार ये तो एक हो गई, और तीन कौन है? तो सुश्री रेबेका, ये तंजानिया की हैं, सुश्री जोनिया ये ब्राज़ील की हैं, एंड फ्रंट लाइन ये आयुष संगठन की है। तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस की है। और यह पुरस्कार 10 दिसंबर को वास्तविक रूप से चिन्हित जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कि जो 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी ना, उसमें ये से प्रदान किया गया। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेबी में पहली बार पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? ये देखिए, सेबी क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं ना, सेबी है आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है? सेबी यही है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि सेबी में पहली बार पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का चयन हुआ है, तो कौन नियुक्त हुई हैं? इनका नाम है आरती छाबरा श्रीवास्तव। ऑप्शन हो जाते हैं डी। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, इनका काम क्या होता है मेनली, मतलब अगर इम्पॉर्टेंट पूर्ण रूप से देखा जाए ना, तो जो भ्रष्टाचार होता है उसे पहचानना है, और उस अधिकारी पर जितने वहाँ अधिकारी हैं उन पर नज़र रखना है, वहाँ के नियम की जांच करना है ताकि भ्रष्टाचार ना हो पाए, ठीक है, उनके विभाग में। तो सतर्कता अधिकारी का मुख्य काम ही यही होता है, जिसके लिए आरती छाबरा श्रीवास्तव जी को चुना गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये अगले 3 साल के लिए, मतलब अभी प्रारंभिक तौर पर चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेबी के बारे में मैंने आप बता दिया, आप यहां देख भी सकते हैं। जिबूती गणराज्य में भारत का अगला राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जिबूती गणराज्य की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इनका नाम है अशोक कुमार। ऑप्शन हो जाते हैं डी। जो भारत से जो नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं जिबूती के लिए, इनका नाम है अशोक कुमार। ये वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय है ना, वहाँ के संयुक्त सचिव है, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मंगोलिया के लिए भारत का अगला राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? उसमें मैंने बात की जिबूती के लिए, इसमें हम बात कर रहे हैं मंगोलिया के लिए। मंगोलिया के लिए जो हमारे भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे, वो मंगोलिया के लिए जो होंगे उनका नाम है मोहिंदर प्रताप सिंह। ऑप्शन है बी, ठीक है। और देखिए, ये भी विदेश मंत्रालय के निदेशक है, वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो ये सारी चीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हमारे ऑप्शन इसमें थे मोहिंदर प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से 2250 किलोग्राम के कौन से सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। सैन्य संचार उपग्रह का नाम है GSAT-7A। ऑप्शन हमारे हो जाते हैं ए, GSAT-7A। और आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये रहा GSAT-7A को, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो।
जैसे कि मैंने कहा कि इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के लिए बनाया गया पहला उपग्रह है, ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ भारतीय वायु सेना की भी बात आई है तो यहाँ के जो चीफ ऑफ द एयर मार्शल स्टाफ है ये एयर चीफ मार्शल BS धनवा है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं, मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसरो के बारे में हम बात करें तो यहाँ के जो अध्यक्ष है KS सिवान, अभिभावक संगठन इनका है अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार का मुख्यालय है बैंगलोर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं KS सिवान जी को, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया एक पुस्तक आई है, ये लिखी गई है मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2004 से 2014 तक का इनका कार्यकाल था, तो इनके द्वारा ही ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। और अब इस पुस्तक में क्या है, ऑप्शन हमारे हैं मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जो कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना। अब देखिए, ये देखिए चेंजिंग इंडिया पुस्तक को आप देख सकते हो, इसको जो जारी किया गया है, इस बुक में भाषण और लेखों का संकलन है, जिसमें जो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे है सॉरी तो मनमोहन सिंह जी के जो जीवन के जीवन को ना उन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में अपने जीवन का वर्णन इस बुक में किया है। और कांग्रेस के अगुवाई वाली जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के शीर्ष पर उन्होंने जो अपनी 10 वर्ष की अवधि जो अपनी बिताई है उसका इसने विवरण किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में हैं, ओवरऑल आप समझ सकते हो। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी गई है मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट वन, 57th गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 19 दिसंबर को, ऑप्शन है ए 19 दिसंबर। और हम यहाँ बात कर रहे हैं गोवा के बारे में, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि गोवा लिब्रेशन डे मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, उत्तर गोवा में पणजी में तो इसे आयोजित किया गया गोवा लिब्रेशन डे। मनाते क्यों है, क्योंकि देखिए 19 दिसंबर 1961 में जितने भी पुर्तगाली लोग का जब शासन चल रहा था तो उससे गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसंबर को, तब से गोवा लिब्रेशन डे को मनाया जा रहा है। तो हमारे ऑप्शन हो गए ए 19 दिसंबर। तो और गोवा की बात आ रही है तो गोवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री है मनोहर पर्रिकर जी, गवर्नर है श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। और राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान दे दीजिए कि दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, मुलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे गोवा में पड़ते हैं। और पक्षी अभ्यारण्य सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 22 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।